अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान और आप देख रहे हैं शाहिद टीवी। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक व्यापारी साहब, इधर बात तो सुनिए। अच्छा, ये एक व्यापारी, ये बेचारे बड़े तंग है, कहते हैं कि चले आप उनकी ज़बानी सुनवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, आप ठीक हो? खैर हूं। क्या नाम है आपका? शरीफ बलोच। शरीफ बलोच, तो बताएं कुछ, जो यहाँ पे यूट्यूबर्स ज़्यादा आते हैं, टिकटॉकर ज़्यादा आते हैं या माल खरीदने वाले ज़्यादा आते हैं? खाली बनाने टिकटॉक वाले आते हैं, अभी तक हमने एक जानवर भी नहीं देखा जाने उनके साथ। अच्छा, कोई लेके जो गया है? नहीं, ये सुनने में तो आया कि 4-5 जानवर बिक गए, हमने एक को भी नहीं देखा है। आपसे अभी तक यहाँ पे कोई नहीं बिका? नहीं। तो मतलब आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह देते हो तो बस आपका उसमें गुजारा चल जाता है? इंटरव्यू देने वाला ऐसे सर में दर्द देते हैं हमारे। बात तो सुनो, गाँव वालों को दिखाना नहीं है अपना आप। अच्छा व्यूअर्स, इनके पास जो है, इन साहब के पास कुछ सीबी बेल मौजूद हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है हम आपको तमाम सीबी बेल दिखाएंगे। ये देखिए, आप इस तरफ आए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5, वो 6, ये 6 जानवर हैं, ठीक है? ये सारे सीबी के, लेकिन जिस तरह मतलब एक हाइट होनी चाहिए ना सीबी बेल की, उस तरह इसकी नहीं है। यहाँ पर हमने फिर भी उनसे क्लियर किया तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई, ये वाकई में जो है सीबी बेल है, ठीक है? अब ये देखें, परेशान है, ये चेक करें आप माशाल्लाह से, तो थोड़ा आपको जो है इसका फेस दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो व्यापारी हजरात हैं ना, वो बड़ा गुस्सा करते हैं, बोलते हैं यार हर सुबह इतने डेली जो है ना, हमारे आने से पहले यूट्यूबर पहुँच गए होते हैं, और कुछ यूट्यूबर तो माशाल्लाह से जो है ना फजर की नमाज़ भी इधर ही पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये आप देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, ये सीबी का पिला जानवर आपके सामने। अभी यार दूसरा दिखाते हैं आपको, ठीक है? और इसकी, इसका जो रेंज है, इसकी जो प्राइजेज हैं, इंशाल्लाह वो वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? ये वाला देखें आप, इसका आपको थोड़ा सा फ्रंट दिखाते हैं, ठीक है? वो देखें आप, ये देखें आप माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन इनका फ्रंट। और ये आप इनका खाली साइज़ चेक करें, और ये की ऊंचाई देखें आप माशाल्लाह से, ठीक है? अब ये कितने दांत का है और इनकी प्राइजेज़ क्या है, वो इंशाल्लाह यहाँ पे जो व्यापारी है उससे पूछने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो वो बिज़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह आते हैं, और जैसे भाई ने बताया था कि टिकटॉकर वगैरह भी सारे आते हैं, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है इनको भी, ठीक है? देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन जो है ये जानवर, ये देखें आप। अच्छा, ये जितनी भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारी सीबी बेले हैं, ठीक है? और सारे के सारे जो हैं ये मेल ही है, ठीक है? और दूसरी बात ये भी है कि हाँ, दांतों का भी नहीं पता फ़िलहाल, देते हैं उससे टाइम। ये वाला देखें आप माशाल्लाह से, ये वाला कितना बेहतरीन जानवर है, ठीक है? इसका थोड़ा सा आपको फ्रंट दिखाते, ये देखें आप क्या ही आला बेल है, ये देखें आप माशाल्लाह से, ठीक है? अच्छा, इनकी जो, इसकी जो है मैंने कीमत पूछी थी, उन्होंने बताया था कि ये जो है 11 लाख रुपए का है, सही है? तो इंशाल्लाह अगर कोई लेने वाला होगा और कोई ये कहना चाहता है कि यार मैं मतलब मुझे ख़रीदना ही है, तो उसके लिए फिर ये है कि वो कम से कम आपको जो है 7 से 7.5 लाख तक का ये जानवर मिल सकता है, इससे कम नहीं होगा। बड़ा ही बेहतरीन है माशाल्लाह से, ठीक है? ये आप देखें, तो इस वीडियो में जो है ना, हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ खाली ये ही शेयर करेंगे। बाकी हम पूछते हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं उससे, ये हम भाई जी, इस वाले की ज़रा प्राइस बताना, इस वाले की। इसका बाबा 11 लाख है मोल। 11 लाख रुपए, कम बेशी कहाँ तक कर दोगे? वो नीचे ऊपर होगा जब जो आके बात करेगा पैसों। चले ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला वो 9 लाख का है। वो 9 लाख का, ये कितने दांतों का है? 1, 2 है, 1, 4 है। ये पहला वाला जो आपने दिखाया था वो कितने दांतों का था? वो 4 का है। और ये दूसरा वाला 2 दांत का है, ठीक है? ये तीसरा वाला वो भी 2 है। वो भी 2 है, ठीक है? वो चौथा वाला वो भी 2 है। चौथा वाला भी 2 है, और वो जो 2 बेटे हैं उसके उन्हों से 1, 4, 1, 2 है। 4 कौन सा वाला, ये आखिरी वाला उठा है? वो 4 है। अच्छा, ये जो उठा हुआ है वो 4 है, ठीक है भाई? जज़ाकअल्लाह, आपको खुश रखे।
बाकी क्या है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि यूट्यूबर आपको बहुत तंग करते हैं यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने के लिए? बस आते ही भी यही है, इसी के लिए आते हैं। हाँ वो और कोई वजह नहीं है, नहीं आता। रात को 2 बजे 3 बजे हमारे को बैठने भी नहीं छोड़ते। क्या बात कर रहे हो आप, पूरी रात ऐसे टेंशन में, ये इधर आओ इधर आओ इधर, लेने वाला तो एक भी नहीं आया। अच्छा, वैसे क्या उम्मीद है कि ये जो खरीदने वाले हैं कब तक मतलब आना शुरू हो जाएंगे? वो आए या नहीं आए वो उनका मर्जी है। अच्छा, लेकिन हमारे को तो छोड़े ना सुकून के साथ, माल के साथ हम खुश हैं ना अपने के साथ। वो कहते ना जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, हाँ तो तुम भी जो है ना बस खुश हो जानवरों के साथ। आप बोलते हो कि कोई तीसरा बंदा ना आए हमसे पूछने वाला, पूछने वाला आवे ना अभी। एक इसका मूल लगाया नहीं, इसका मूल पूछा फिर दूसरे के पास गए, बोला इसको छोड़ो ये बताओ लेने वाला भी हो। भाई ये उठाया तूने खुलवाया है, इसका मूल लगा ना अभी। हम बाहर मंडियों पे जाते हैं, जानवर एक होता है, हम 50 बंदे मूल देने वाले होते हैं। अच्छा, फिर ये रेट भी तो आप माशाल्लाह से ऐसे इतना बता रहे हो, अभी अभी आपने उसी का बताया 11 लाख रुपए, 11 लाख की। मैं तो कहता हूँ कोई छोटी मोटी बंदा गाड़ी खरीद के वो नहीं ले ले फिर, घर जाके गाड़ी खरीदे, हम थोड़ी बोल रहे हमारा बचड़ा के खरीदे जाके रोड पे गाड़ी खरीदे। ये बात पॉइंट तो हमारा है भाई ने, वैसे मैं आपको बता दूँ। अच्छा, तो कुर्बानी के लिए जानवर है ना, कुर्बानी के लिए तो रेट भी थोड़ा सा बहुत कम होने चाहिए ना यार। अब 11 लाख कमती बढ़ती होगा जो हम कीमत करेंगे ना। अभी तक ऐसा बंदा नहीं है हमारे को, 6 साल हुआ ये काम करते, जो कीमत किया निकल के हमारे को पैसा। मतलब आपने 11 लाख मांगे उन्होंने फौरन दे दिए, ऐसा नहीं होता कम करा। 11 लाख क्या, कुछ साल पहले हम मांगते थे 1.5 लाख 2 लाख, वो उन्होंने फिर आधा बोलते थे, फिर ऐसे ऐसे करते थे। अच्छा। हम बोलता था ये क्या यारी ब्लेड है, बोलते नहीं ये 50-50 है। अच्छा, मतलब इस कीमत का आधा करो। हाँ सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिपोर्टें आई थी कि चोरियाँ वगैरह हुई थी, ये बात सच है? कुछ भी नहीं, चोरी वगैरह नहीं हुई। कल शाम को इधर आए हैं। अच्छा, कल शाम को आप इधर आए हो, ठीक है, उससे पहले फिर हुई होगी, लेकिन वो शायद अल्लाह को पता है, वो पड़ोसी थे हमारे से पूछा। अच्छा, ये लाठी आपने किस लिए रखी, जानवरों के लिए रखी हुई या इंसानों को मारने के लिए? ये लाठी हम अपने हिफाजत के लिए रखा हुआ, अपनी हिफाजत की। किधर कोई सांप वगैरह, जानवर भी लड़ जाते हैं ना, फिर छोड़ाना पड़ते। अच्छा, ये क्या छड़ाया, ऊपर छड़ाया क्या है आपने? ये पट्टी है 100 वाला। अच्छा अच्छा, चले जी, चले, बड़ी मेहरबानी आपने हमें लेटे लेटे टाइम दे दिया, लेकिन कम से कम दे तो दिया, ये भी बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल, ये इनका सीज़न चल रहा है भाई। तो व्यूअर्स, जैसे पहले वीडियो में जो है ना, हमको आपने यहाँ पे जितना माल आया हुआ था वो शो कराया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो मानी साहब जो हैं यार मानी, उसका इंटरव्यू किया और काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उसने मंडी के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी जो है हम आपके साथ अपलोड करेंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं कुछ छोटे जानवर, मतलब जो दरमियाना टाइप के जानवर होते हैं ना, उस तरफ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है हम आपके साथ वो वाली शेयर करेंगे, जिसमें हम आपको छोटे से लेकर दरमियाने साइज तक, मतलब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के करीब जो जानवर होंगे तो वो आपको दिखाएँगे। तो उसमें इंशाल्लाह आपको और भी मज़ा आएगा देखने का। बहरहाल वीडियो का यहीं पर अख्तिताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को जो है ना लाइक करना है, शेयर करना है, कि अगर हमें इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इंशाल्लाह फिर पूरा महीना क्या, इंशाल्लाह फिर पूरी साल जो है आपके साथ कहीं ना कहीं जो है अपडेटिंग चलती रहेगी, फॉर्म वगैरह के ज़रिए, कभी किस चीज़ के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मुझे और अच्छा, वैसे आपने नाम नहीं बताया, क्या नाम मानता वो? शरीफ बलोच। काम तो सारा आप तुम्हारे बदमाशी वाले काम है, जानवरों के रेट तुम वाईफाई बोल रहे हो, अच्छा बदमाशियाँ तुम कर रहे हो। चलो क्या जानवर फ्री में नहीं मिलता है क्या ना? फ्री में नहीं मिलता, सही कह रहे हैं। दौरे से आया कोई मुर्गी का अंडा भी फ्री में नहीं देता। मुर्गी का अंडा कह रहे हैं भाई जो है फ्री में नहीं देता। चलो थोड़ी तफरी, क्योंकि अभी आपको पता है कि मंडी इतनी खास लगी नहीं, तो तफरी वगैरह चलती रहेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जो है हमारा शाही टीवी उसको ज़रूर यार सब्सक्राइब कर दो। बहुत दूर दूर जाते हैं, यकीन करो, वीडियो बनाने के लिए बहुत थक जाते हैं यार, कहीं ऐसा ना हो कि हिम्मत हार जाए और घर जाके बैठ जाए, ठीक है। तो हौसला दें हमें, भरपूर हौसला दें, लाइक के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, शेयर के ज़रिए, सब्सक्राइब के ज़रिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।